इस साजिश में शामिल हैं कि पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक वध कर दिया जाए, हाजीपुर सीट उनसे छीन ली जाए। वो कहीं ना कहीं स्वर्गीय राम विलास पासवान जी के विचार की हत्या करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में काफी ज्यादा कौतूहल मचा हुआ है। कौतूहल हो भी क्यों ना, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही हाजीपुर का जो सीट है वो छीन कर चिराग पासवान को दिया जा सकता है। इस पर पार्टी के प्रवक्ता है और जो तमाम नेता है वो लगातार जुबानी हमला बोलते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बता दे कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वो सुनिए। जो लोग भी इस साजिश में शामिल हैं कि पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक वध कर दिया जाए, हाजीपुर सीट उनसे छीन ली जाए, वो कहीं ना कहीं स्वर्गीय राम विलास पासवान जी के विचार की हत्या करना चाहते हैं। पशुपति कुमार पारस के निस्वार्थ सेवा के बदले स्वर्गीय पासवान जी ने उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। जिस समय पारिवारिक सीट का बंटवारा हो रहा था उस समय चिराग पासवान को जमुई और पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर सीट दिया गया था। आज चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि उनके पिता के राजनीतिक वारिस वो हैं, तो 2019 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने आखिर क्यों नहीं चिराग पासवान को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, यह सोचने का विषय है। आप हाजीपुर पर दावा करके कहीं ना कहीं स्वर्गीय पासवान जी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं और यह साजिश है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के दूसरे अम्बेडकर थे और राजनीति के बहुत बड़े चिंतक और विचारक थे। बहुत गंभीरता पूर्वक सोच विचार कर उन्होंने निर्णय लिया था कि हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस ही उनके राजनीतिक वारिस हैं और सही तरीके से हाजीपुर की सेवा कर सकते हैं। उनको उस समय भी चिराग पासवान पर विश्वास नहीं था। तो आज जो लोग भी इस साजिश में लगे हैं कि पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर सीट उनसे छीन लिया जाए और उनकी उनका राजनीतिक वध कर दिया जाए, वह स्वर्गीय पासवान जी का के विचार पर विश्वास नहीं करते हैं और इस पूरे देश में बहुत गलत संदेश जाएगा। चूंकि पशुपति कुमार पारस जी ही हाजीपुर की सेवा करते आ रहे हैं और स्वर्गीय पासवान जी के समय में जिस समय वो संघर्ष कर रहे थे उस समय पशुपति कुमार पारस और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी ही मेहनत करके यहाँ तक स्वर्गीय पासवान जी को पहुँचाने का काम किए। अब तो फल पक गया है और कहीं ना कहीं फल पक गया है तो चिराग पासवान इस पर दावा कर रहे हैं कि ये पका हुआ जो फल है वह हमारा है और हम ही इसके असली उत्तराधिकारी हैं, जबकि यह सरासर गलत है। संघर्ष के समय में चिराग पासवान मुंबई में फिल्म की शूटिंग किया करते थे और बिहार की राजनीति में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और रामचंद्र पासवान जी ही मेहनत किया करते थे स्वर्गीय पासवान जी के साथ में। आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं कि चंदन सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि साजिश में जो भी शामिल है और पशुपति कुमार पारस से हाजीपुर सीट छीन लिया जाए ऐसा सोच रहा है, उनका राजनीतिक वध कर दिया जाए, ये कहीं ना कहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों की ये लोग हत्या करना चाहते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के समय पारिवारिक बंटवारे में चिराग पासवान को जमुई लोकसभा सीट दिया गया और पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके बावजूद भी चिराग पासवान हाजीपुर पर दावा कर रहे हैं। यह देश के दूसरे अंबेडकर पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों का अपमान है। हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस जी दलितों के बहुत बड़े नेता है और उनकी राजनीतिक वध की साजिश स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों की हत्या है, ऐसा चंदन सिंह कहते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके का इस वक्त कौतूहल है इसमें सोचने की जरूरत है कि अगर पशुपति कुमार पारस से उनकी सीट छीन ली जाती है तो क्या ये रामविलास पासवान के विचारों की हत्या नहीं होगी, ये तो सोचने की जरूरत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।